नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जगत को गहरा आघात पहुंचा है। साहित्य का एक सितारा हमेशा के लिए डूब गया, लेकिन उनकी मशहूर कृतियां हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं मशहूर फ्रेंच लेखक डोमिनिक लेपियर की, जिनका निधन हो गया है। 91 साल के डोमिनिक लेपियर की पत्नी डोमिनिक कॉन्ट्रोन लेपियर ने अपने पति के निधन की जानकारी देते हुए बताया कि डोमिनिक लेपियर ने पेरिस में अंतिम सांस ली। मशहूर लेखक डोमिनिक लेपियर भारत में भी उतने ही लोकप्रिय थे जितने फ्रांस या दुनिया के अन्य देशों में। डोमिनिक का भारत से खास लगाव था, और इसी लगाव के चलते भारत की आजादी पर उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताब लिखी, जो उनकी कालजयी रचना साबित हुई। कोलकाता के रिक्शा चालक के जीवन पर आधारित उनके नॉवल सिटी ऑफ जॉय भी बहुत ही चर्चित पुस्तक रही। उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने 2008 में डोमिनिक लेपियर को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 30 जुलाई 1931 को जन्मे डोमिनिक लेपियर की कई रचनाएं बेहद चर्चित रही। अमेरिकन लेखक लैरी कॉलिंस के साथ मिलकर लिखी 6 पुस्तकों की तकरीबन 50 मिलियन प्रतियां बिक चुकी है। इनमें सबसे फेमस पुस्तक थी इस पेरिस बर्निंग। उनकी 1985 में आई नॉवेल सिटी ऑफ जॉय भी काफी सफल पुस्तकों में शामिल रही। ये कोलकाता के एक रिक्शे वाले की कठिनाइयों को बताती है। उस उपन्यास पर एक मूवी भी बनी थी जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पैट्रिक स्वेजी ने काम किया था और रोलांडो जोफे ने इसका डायरेक्शन किया। ये पुस्तक इतनी चर्चित रही कि कोलकाता शहर द सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाने लगा। लेपियर ने भारत में मानवीय प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए सिटी ऑफ जॉय से अपनी रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। 2005 में उन्होंने कहा था कि उनके इस कदम के साथ साथ पाठकों की तरफ से दिए गए डोनेशन के चलते 24 सालों में टीबी के 10 लाख मरीजों का इलाज संभव हो पाया। लेप्रोसी रोगों से पीड़ित 9,000 बच्चों का भी इलाज हुआ। इस पेरिस बर्निंग के बाद उन्होंने कॉलिंस के साथ अपनी साझेदारी जारी रखी। अमेरिकी राइटर लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने एक साथ मिलकर तकरीबन 6 पुस्तकें लिखी। डोमिनिक लेपियर की 1990 में आई बियॉन्ड लव और 1999 में आई अ थाउजेंड सन्स पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर रही। इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।